हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे वॉच करने जा रहे हैं, रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है राम मंदिर के ऊपर जो है वो राम मंदिर की गवाही पर नया देश के समक्ष गुरुदेव ने क्या कहा। सो गाइस, आज के इस वीडियो को हम वॉच करेंगे और जानेंगे गुरुदेव से कुछ राम मंदिर के बारे में। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, let's start the video. Here we go. राम जन्मभूमि का मेरा निर्णय आपको शंकराचार्य जी ने सुनाया। लोगों को संदेह था और कहना तो नहीं चाहिए, पर आज मुझे कहने का मन है। पिछली सरकार के फाइली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और उनकी उनकी परम आराध्या विदेशी महिला, एक विदेशी महिला सोनिया गांधी ने था। सुनिए, उनकी परम आराध्या एक विदेशी महिला, जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शक्कर बोई जाती है कि गन्ना बोया जाता है। उन्होंने सभा में कह दे, उन्होंने लिखित दे दिया कोर्ट को कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। मैंने तुरंत पत्र लिखा कि सोनिया भले कुछ न जानती, राहुल जी भले जन्मना पप्पू हूं, पर मनमोहन सिंह तुम तो जानते हो, तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब में 5600 बार राम नाम का उच्चारण हुआ है। तुमने किस आधार पर कह दिया कि राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? और संयोग बना मित्रों, कोर्ट में जब गवाही देने का प्रश्न आया, उसमें सभी मुझसे नाराज हो गए थे। निर्वाणी की ज्ञानदास भी मुझसे नाराज, तुमका नाराज होकर दो रोटी और खा लेना। निर्मोही के राजा रामाचार्य भी नाराज हो गए, तुम रहो नाराज, पहले राष्ट्र फिर जो कुछ होगा होगा। कोर्ट ने ये पूछा था मित्रों कि बिना देखे आप कैसे साक्ष्य देंगे। मैंने कोर्ट से पूछा कि तुम साक्ष्य चाहते किस चीज का हो? कोर्ट ने कहा शास्त्रीय साक्ष्य हम चाहते हैं। मैंने कहा महोदय, शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वसलोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधैव सः, शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो दृष्टिहीन है। मेरे इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया। मैं पहला व्यक्ति था जो बाह्य आंखों के बंद होने पर भी साक्ष्य देने वहां गया था। आपको बताने में अच्छा लगेगा, बिरुदाव नहीं, आप जानते तो रहे आप, तब न बोलेंगे आप जानिए तीनों महंत जनों कि जिसको आपने रामानंदाचार्य में वह कौन सा व्यक्ति है। इसके बाद जब सभी धर्माचार्यों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारे ठाकुर मना करेंगे तो भी हम जाएंगे। क्यों? इसलिए जाएंगे कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं और इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं। जब वादी नाबालिग होता है
तो उसकी ओर से माता पिता और गुरु कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। तो मैं संबंधतः राम जी के गुरु पक्ष का हूं, गुरु हूं, मैं जाऊंगा। और कोर्ट में गया मैं मित्रों, मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने, ओ विपक्षी वकील को $45,000 दिया था विदेशी अमेरिकन डॉलर, पर आप लोगों का पुण्य था जो वकील सामान्य लोगों को नौ महीने तक रुलाता था, भारत माता के आशीर्वाद से, इन संतों के प्रसाद और पुण्य से, उसको 7 दिनों मैंने ऐसे निचोड़ के रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था कि राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के 2वें मंत्र में अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, वेद ने स्पष्ट कहा है 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं, वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे, 4 केवल अस्पष्ट थे, वो भी थे अंत में प्रमाण हमारे। कोर्ट ने स्वीकारा मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में भी जब निर्णय आ रहा था तब 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने कहा मुख्य जज से, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से, कि महोदय एक बार रामभद्राचार्य जी का, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक बार विटनेस बयान पढ़ लिया जाए। पढ़ने पर मित्रों दिशा और दशा दोनों बदली, नौ नवंबर 2019 को हमारे पक्ष में निर्णय आ गया। हाई कोर्ट के एक अग्रवाल ने जो 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी, नहीं अयोध्या में कोई भी विधर्मी का स्थल नहीं बन सकेगा। सरजू जी के उस पार इनको 5 ये वही जमीन की बात कर रहे हैं जो राम मंदिर वाली। ये संकल्प पूरा हुआ। तो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होती है, यहाँ पर आई थिंक ये वही जमीन की बात कर रहे हैं जहाँ पर राम मंदिर जो है वो बनाने की बात की, मतलब कि ये बाबा जो हैं गुरुदेव, इन्होंने इस मंदिर के लिए काफी कोर्ट में भी गए और केस में भी इनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहा राम मंदिर बनाने के लिए, और काफी इनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, मतलब कि लोग काफी रोकथाम भी हुई, कह रहे हैं कि वकील इतना बड़ा रखा हुआ था अगेंस्ट में कि उसको डॉलरों में पैसे दिए हुए थे। तो भाई वो कौन लोग थे जो इस तरह से मतलब कि नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने यहाँ पर। लेकिन यह है कि मैं समझती हूँ कि बागेश्वर धाम जो है और इस तरह से ये बाबा जो है स्वामी रंभ दर्चार्य जो है हाँ गुरु जी जो है, इनकी बातें सुनकर आइडिया हो रहा है कि भाई ये लोग रियल सनातानी तो ये लोग हैं जो हिंदुइज्म को और सनातन को जो है ना संभाल के रखे हुए हैं। अगर ये लोग ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुइज्म इतना ज्यादा
स्टे कर पाता, जिस तरह से लोगों ने हर तरह से तोड़ना चाहा है। और बाकी रही राम मंदिर की, तो नो डाउट ये खबरें भी सुनने में आ रही थी कि मंदिर जो है वो मतलब बनाने नहीं दिया जा रहा, बहुत सारी रुकावटें आ रही और काफी सालों तक केस भी चलता रहा है। और जो है वो अब पता चला कि उसके पीछे जो है ये गुरुदेव जो है उनका हाथ था, कि वो काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश करके जो है वो इस मंदिर को वापस लाने की कोशिश की है। सो गाइज, इस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बाकी ये कहूंगी कि अच्छा हुआ कि मंदिर जो है, देखिए मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज उनको मेहनत का फल मिल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सो खुशी होती है इस तरह की चीजें देखकर। तो गाइज आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताएं, और बाकी जो है आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद गुरुदेव जी एंड बागेश्वर धाम, बिकॉज उनकी जो चीजें हैं वो जानने को मिल रही हैं, नॉलेज काफी ज्यादा मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है और इससे सनातन धर्म और सनातन की जय जय हो रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम दीज पीपल, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।